पर दान मांगने आई, जिन बाणों का घमंड बने वे बाण मांगने आई। जब छह पे थे तेरे के पांच के, तू प्राण मांगने आई, और बाणों का ते नामकरण की तू जान मांगने आई। बोलिया रे, तू एक तरफ तो कहती है कि मैं तेरी माँ हूं, तू मेरा पूत है, मेरा लाल है, कि माँ पिछड़ते बतलावे है, और न्यू कहे कि मेरा पांच नहीं छह पूत है, और बाण मांगे है पांच। इस शरण में रहने दे, मेरे साथ में बहुत छल कर लिए, इब तो शांति कर ले। सजनों, न्यू कह लागी कुंती रे बेटा, मैंने तेरा बहुत नाम सुनिया कि तू बहुत बड़ा दानवीर है, फिर अपनी माँ को भी कुछ दे दे। पल्ला फला के न्यू कह लागी के पांच बाण मेरे को चाहिए, पांच। जब पांच बाण का जिक्र सुनिया तो करण की आंखों में खून उतर आता है, भुजाएं फड़क जाती है। न्यू कह लागरी, एक तरफ तो बेटा कहती है कि तना तो मेरा काल तो काट लिया, हरी जो मेरे पास था वो इतना मांग लिया। मैं जानता हूं कि तू पांच बाण किस लिए मांग रही है, तेरे को चिंता सता रही है कि तेरे पांचों पुत्र कल रणभूमि में मारे जाएंगे। लेकिन मां, तू एक काम कर ले, पांचों पांडवों का जिक्रा छोड़ के तू जो भी कहेगी ला के तेरे कदमों में डाल दूंगा, लेकिन उनका जिक्र मत ना करे। बोली के फिर तू कैसा दानवीर है। सजनों, मोह में फंसा के पांच बाण वो कुंती उसको मांग लेती है। इधर वो करण अपनी माँ को वचन देता है कि माँ जा, तेरे को ये करण वचन देता है कि तेरे चारों पुत्रों को ये करण हाथ नहीं लगाएगा। और कैसा वचन दिया, क्या बता दिया भला। मोह माया के लिए बंधे जाल रह जाएंगे, ये करण मारया मैं अर्जुन मां तेरे पांच लाल रह जाएंगे। आशा तृष्णा मोह माया के बंधे जाल रह जाएंगे, कर्ण मरया अर्जुन मां तेरे पांच लाल रह जाएंगे। आशा तृष्णा तलक जो मांगण खातरे द्वार पे आया, मुंह मंजा मन दान दिया ना खाली लौटाया, राजपाट चाहे दे सक ले ले मांग लिया धन माया, उन पाचों Oh, my God.
सब सामान लिए बच्चे गंडी विधारी अर्जुन भी वो धनुष और बाण लिए बच्चे नकुल और सहदेव हाथ में नंगी कृपाण लिए बच्चे भीम तथा का गम न करो बाण लिए बच्चे भीम तथा का गम न करो पांच लाल रह जाएंगे सतनाम ये सुन ले मात मेरी सुन ले मात मेरी सुन ले मात मेरी सुन ले मात मेरी मेरे से मांगती है वे तेरे इस कर्ण को मारने के लिए रणभूमि में कैसी कैसी तैयारी करके बैठे हैं ये मैं जानता हूं लेकिन मां तेरे को वचन दिया है कि ये कर्ण तेरे चारों पुत्रों को हाथ नहीं लगाएगा युद्ध तो होगा लेकिन वो युद्ध किस किस के बीच होगा क्या बताया बोला तुझको दे दिया वचन आज कभी नहीं हारूंगा भीम नकुल सहदेव युधिष्ठर को हाथ नहीं डालूंगा हेरी उन चारों तेरे बेटों के सहदेव युधिष्ठर तेरे चारों पुत्रों को यह कर्ण का वादा है वचन देता हूं कि तेरे चारों पुत्रों को यह कर्ण हाथ नहीं लगाएगा युद्ध होगा तो अर्जुन और कर्ण के बीच में होगा अगर अर्जुन ने कर्ण को मार दिया तो भी तेरे पांच पुत्र जिंदा रहेंगे और अगर कर्ण ने अर्जुन को मार दिया फिर भी पांच रहेंगे जिंदा तो पांच रहने कैसे क्या बता फिर मैं एक बचेगा ये निश्चय मेरा से पंचो पंचो
पांच लाल रह जाने ये भाई सचिन कुमार जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद कि हम दोनों में एक बचेगा ये निश्चय मेरा से, पांचों पंडो सहित करण ये छठा लाल तेरा से, इन 6 में से 5 बचे ये वचन आज मेरा से, कि माँ जिंदा तो 5 रहने हैं, करण मरेगा फिर भी 5 जिंदा रहेंगे, और अगर अर्जुन मरेगा तो भी 5 जिंदा तो 5 रहेंगे। सजनों 5 बार लेकर के वो कुंती वहां से चल देती है, जब बाण लेकर थोड़ी सी दूर चली तो करण न्यू कह ला गया कि मां अरे एक बात सुन के जाइए, अब वो कुंती खावे पर गई न्यू लगाई न्यू के लागी रे सुनने को तेरे पास में रह के गया, जो तेरे पास था वो तो मन ले लिया, कि हाँ माँ मैं जानता हूं कि तेरे मन की चाही होगी, लेकिन आज तेरे को एक बात कहता हूं, अगर तू मान ले कि माँ समुद्र की गहराई को कोई नहीं आंक सकता, समुद्र जानता है कि तेरी गहराई कितनी है, और तेरे को एक बात कहना चाहता हूं अगर तू इस दुखिया की बात माने, अरे तू क्या कहना चाहे एक बात तो बता। सजनों न्यू के लागरी न्यू मत कहिए जाके, मेरे भाई धर्मराज युधिष्ठिर पे न्यू मत कहिए, अरे के ना कहूं, सजनों कैसा राज बता के, अगर ये राज तो न जाके उस धर्मराज के आगे बता दिया तो युद्ध कोने हो, हरी बेरा ने किस किस ने किसे किसे प्रण कर रखे हैं, उन प्रण का क्या होगा, कैसे एक बात के द्वारा अपनी मां को समझाता है, क्या बता।